बीजेपी वाले जुमलेबाजी हैं बीजेपी वाले तो पहले भी बोला कि करते थे कि पंद्रह करोड़ रुपया हर व्यक्ति के खाता में जाएगा सबको मुफ्त गैस मिलेगा उन लोगों को धर्म के नाम पर खाली अफवाह फैलाना है करना कुछ नहीं है उन लोगों का कोई काम नहीं है सिर्फ उन लोग का एक एक काम है अफवाह फैलाना उपेंद्र कुशवाहा जी को जब एक टिकट मिला एक सिंबल मिला तो एक सिंबल मिला तो क्या उपलब्ध कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे उन्होंने गलत चश्मा लगा करके अफवाह करता है जितना लुटेरा डकैत जो बीजेपी में चला जाता है वो सही हो जाता है काराकाट में बहुत कमियां है काराकाट में तो इतना कमियां है कि कितना हम गिनाऊं? उसका उसका पूरा राजा राम जी काराकाट को चुनाव जीतने के बाद करेंगे नमस्कार वेब समाचार में स्वागत है मैं हूं आपके साथ बलू कुमार देखिए अभी वेब समाचार के टीम गो विधानसभा में आए हुए हैं अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं गो विधानसभा के क्षेत्र संख्या सात के जिला पार्षद रेखा सिंह उनका निवेदन है निवेदक हैं मदन यादव जी इन से तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे सर सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है मैं मदन कुमार सिंह क्षेत्र संख्या सात जिला पार्षद प्रतिनिधि सर आर जे डी का वरिष्ठ नेता है काराकाट लोकसभा के लेकर क्या तैयारी चल रही है काराकाट के लिए तो हम लोग चुनाव जीत चुके हैं जिस समय हम लोगों को न्यूज़ मिला कि हमारे काराकाट क्षेत्र से राजा राम बाबू को टिकट मिल चुका है उसी दिन चुनाव हो गया है राजा राम सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं दाऊदनगर ओबरा से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी काम किया था और आज तक गरीबों के साथ अपना समय गुजारे हैं और बहुत धरती का नेता है राजा राम बाबू आखिर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस बार भी जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी वाले जुमलेबाजी हैं बीजेपी वाले तो पहले भी बोला कि करते थे कि पंद्रह करोड़ रुपया हर व्यक्ति के खाता में जाएगा सबको मुफ्त गैस मिलेगा तो उन लोगों धर्म के नाम पर खाली अफवाह फैलाना है करना कुछ नहीं है वो लोग का कोई काम नहीं है सिर्फ़ उन लोग का एक एक काम है अफवाह फैलाना झूठा वादा धर्म के नाम पर जैसे आज मोदी जी कहते हैं हमने राम जी को लाया मोदी जी राम जी को लाए हैं हम लोग भी देहात में घर मकान बनाते हैं जब पूरा मकान बन जाता है तो गिरीवास होता है और राम मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ अब और अपने राजनीति को जिंदा करने के लिए कहते हैं कि हम राम को हमने लाया है वहाँ दो हज़ार चौबीस में क्या आप लोग का खाता खुलेगा 2024 में खाता 2024 में जितना भी मेरा महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे सब के सब चुनाव जीतेंगे आखिर उन्नीस में कितने आप लोग का सीट आया था उन्नीस में मात्र एक सी स्थिति परिस्थिति होता है जिसे बीजेपी के पास बहुत सा षडंत्र रहता है और उन्होंने पैसा का नंगा नाच करता है उस समय हमारे कार्यकर्ता नेतागण नहीं समझ चुके थे अब हम लोग समझ गया है और तैनात बहुत मजबूती के साथ हम लोग अब लोग बीजेपी को अबार बार जवाब देने का काम करेंगे परिवारवाद लेकर आप लोग बहुत आरजेडी में होता है परिवारवाद 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 सिर्फ अफवाह आफ, है परिवारवाद सिर्फ अफवाह है क्या उनके के यहाँ जो दल है तो उनके दल में जो लोग हैं वो परिवारवाद नहीं हैं जैसे आप उदाहरण में ले लीजिए लोजपा आपका उपेंद्र कुशवाहा जी उपेंद्र कुशवाहा जी को जब एक टिकट मिला एक सिंबल मिला तो एक सिंबल मिला तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे उनके दल में और लोग नहीं थे लोजपा को मिला तो लोजपा के सिर्फ खाली राम बिलास पासवान के लड़का राम बिलास पासवान जी के भाई राम भाई राम बिलास पासवान जी की दमाद वो परिवारवाद नहीं है बीजेपी में परिवारवाद ज़्यादा चलता है हम तो पहले भी कह चुका आपसे कि वो लोग को अफवाह है खाली सिर्फ अफवाह हवा जंगल राज की बीजेपी वाले ऐलान करते जंगल रा, राज आखिर जंगल राज था लालू जी के राज में जंगल अगर नहीं रहेगा पर्यावरण नहीं रहेगा तो क्या जीव जंतु जी सकता है जंगल राज कहते हैं जंगल में हर तरह के जीव जंतु होते हैं और उन्होंने गलत चश्मा लगा करके गफवाह करता है जितना लुटेरा डकैत जो बीजेपी में चला जाता है वो सही हो जाता है गंगा में धोवा जाता है और इधर गरीब लोग को कहता है कि गरीब लोग लालू जी एक विचार हैं सही मायने में अगर जाना जाए तो भी अंबेडकर जी के बाद अगर कोई अंबेडकर जी के बाद अगर किसी को जगह मिलता है तो समझिए कि लालू जी की जगह मिलता है अगर लालू जी नहीं होते तो गरीब गुरुआ का मान सम्मान नहीं मिलता सम्राट चौधरी तो ऐलान कर दिए हैं कि लालू यादव अपना बेटी के किडनी लिए हैं तब टिकट दिए हैं किडनी पर टिकट दे रहे हैं सम्राट चौधरी जी को बहका करके गलत श्रत बुलाया जाता है सम्राट चौधरी पहले अपने आप के तो झाँक देखें कि अति पिछड़ा के लोग को कैको सिंबल दिया बीजेपी और दूसरे को कहते हैं परिवारवाद आप लोग पढ़े लिखे हैं दुनिया पढ़ा लिखा है समझने की ज़रूरत है सम्राट चौधरी सिर्फ खाली बहकावे में अनाप समाप बकते हैं लेकिन वो कम से कम अपने आप में बैठ करके के देखें कि आज तक बीजेपी वाले लोग किसी महादलित अति पिछड़ा पिछड़ा का संबल देता है क्या राजा राम सिंह क्योंकि क्यों वोट क्यों देंगे जनता क्यों वोट देगी काराकट के लोकसभा के जनता राजा राम सिंह को राजा राम सिंह के इसलिए वोट देगी जनता कि राजा राम सिंह गरीबों के मसीहा हैं और अपने क्षेत्र में गरीबों के साथ आज तक काम करने का काम किए हैं कहीं भटक करके किसी दूसरे दल में जाने का काम नहीं किए हैं एजेंडा क्या रहेगा आप लोग का हम लोग का एजेंडा रहेगा विकास गरीब गुरबा का मान सम्मान मेरा गरीब गुरबा को कोई कहीं कुछ कोई तंग नहीं कर सकता है मेरे गरीब गुरुबा के दिखे मान सम्मान पर आँच नहीं आना चाहिए और विकास हम लोग को विकास चाहिए हम लोग को अफवाह नहीं चाहिए हम लोग जो कहते हैं से करते हैं हम लोग अफवाह नहीं फैलाते हैं हम लोग जो माइक से कहीं भी मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव जी जो घोषणा कर देते हैं वो करके दिखा देते हैं ऐसा नहीं कि कहे कुछ किया कुछ काराकाट लोकसभा में अभी क्या कमियाँ जो वर्तमान यहाँ के सांसद हैं वो क्या कमियाँ है काराकाट में बहुत कमियाँ है काराकाट में तो इतना कमियाँ है कि कितना हम गिनाऊं उसका उसका पूरा राजा राम जी काराकाट कार को चुनाव जीतने के बाद करेंगे आपका भूमिका क्या है दो हजार चौबीस को लेकर चुनाव को लेकर काराकाट लोकसभा के लेकर मेरा भूमिका है मैं हर गरीब गुरबा पूरा कारा काट का दौरा करूंगा अपने रेखा सिन्हा को साथ लेकर के हमारे माननीय सम्मानित विधायक भी भीम बाबू भी रहेंगे और जितना भी हमारे सर्किल के जितना भी नेतागण हैं जिला पार्षद सदस्यगण हैं मुखियागण हैं सरपंच हैं वार्ड सदस्यगण हैं सबको अपने साथ ले चल के अब अपने गरीब गुरबा को समझाने का काम करूँगा कि बीजेपी के बहकावे में नहीं आना है बीजेपी सिर्फ बहकाएगा वोट लेगा वोट लेने के बाद आपको देखने नहीं आएगा आपको जब देखने आएंगे किसी भी दुख सुख में आएंगे तो राजा राम सिंह ही आएंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे क्षेत्र संख्या सात के जिला पार्षद निवेदक मदन सिंह यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद